आज हम गुंदा केरी का अचार बनाएंगे। अचार बनाने के लिए आधा किलो कच्ची केरी लेंगे, छिलके वाली या बिना छिलके की कुछ भी आप ले सकते हो। इसे अच्छे तरह से वॉश करके ड्राई करना है। केरी का पीसेस किया हुआ है और गुंदा का अंदर से डीटा निकाला हुआ है। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गुंदा के अंदर चिकनापन निकालने के लिए नमक लगाएंगे। अचार मसाला बनाने की रेसिपी मेरी YouTube चैनल में आप देख सकते हो। 1 कप अचार मसाला लेंगे, 3/4 कप कद्दूकस किया हुआ कच्ची केरी लिया है, इसमें नमक डाल के पानी निकाला है और इसमें अचार मसाला मिक्स करेंगे। गुंदा में ये मसाला किया हुआ स्टफ करेंगे। सारे गुंदे ऐसे स्टफ कर लेंगे। नमक डाल के जो केरी डाला था उसमें से पानी हुआ है, पानी नहीं लेंगे, सिर्फ कच्ची केरी लेंगे। अभी इसमें 2 कप अचार मसाला डालेंगे। इस अचार में 1 और आधा कप तेल डालेंगे। तेल को गरम करके ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद ये अचार में हम डालेंगे। इसमें सरसों का तेल, सनफ्लावर तेल कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे तरह से मिक्स करना है। अचार को कांच की बर्नी में भरना है। कांच की बर्नी में भरने के बाद ऊपर से 1/2 कप तेल डालेंगे। ये हमारी कच्ची केरी और गुंदा का अचार रेडी हो चुका है।